हम अपने फ्रेंडों को एक कहानी सुनाएंगे, आशा करेंगे कि हमारे प्यारे फ्रेंडों को हमारी कहानी पसंद आएगी। एक जंगल में दो बंदर रहा करते थे, वो बहुत अच्छे ही मित्र थे, मतलब बहुत मिलजुल कर रहते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। तो एक दिन वो दोनों पेड़ पर बहुत मस्ती चढ़कर कर रहे थे, तो दोनों लोग एक डाली पर लटक रहे थे, तो पहले वाले बंदर का पता नहीं कैसे पैर फिसल जाता है और नीचे वो दलदल में गिर जाता है। तो दूसरा वाला बंदर वहाँ से आवाज़ देता है कि घबराना नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ। दूसरा बंदर जल्दी से नीचे जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, तो पहला वाला बंदर इतना डर जाता है, इतना झटपटाता है, उसमें हाथ पैर पटकता है कि वो दलदल के नीचे और घुसता ही जा रहा है। लेकिन पहला वाला बंदर उसको समझा रहा है कि ऐसा मत करो, पैर हाथ इतना मत चलाओ कि तुम नीचे और घुस जाओ। लेकिन वो इतना डर रहा था कि हाथ पैर चला रहा था, तो वो हाथ पैर चलाता गया और वो एकदम से नीचे घुस गया, तो उसकी सांसें बंद हो गई, वो मर गया। तो दूसरा वाला बंदर बहुत ज़्यादा पछताया और बहुत ज़्यादा रोया कि मैं अपने प्यारे फ्रेंड को बचा नहीं पाया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी मुसीबत या दिक्कत हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर वो बंदर ज़रा सा भी शांत रहता, इतना नहीं डरता, तो शायद उसको दूसरा वाला बंदर बचा लेता। ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत हो तो कभी घबराए नहीं।